कथा समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद। सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुनर्वास कॉलोनी में आज वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोनिया, विशिष्ट अतिथि पालिका उपाध्यक्ष राजू मामा शेख, मनोज कंसारा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भामाशाह हरिओम पंचाल ने की। कार्यक्रम में विद्यालय की छात्राओं द्वारा अतिथियों का फूल माला एवं तिलक लगाकर स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य मिजयालाल पाटीदार ने स्वागत भाषण देते हुए विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में विद्यालय की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक नृत्य, नाटक एवं गीत प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया तथा 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को विदाई दी गयी। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त स्टाफ सहित शहरवासी उपस्थित रहे। अजय प्रोफेसर सर लिखा था, आप बच्चों को समर्पित कर रहा हूं मैं, कि विवेक वगैरह बुद्धि, भिक्षा वाली शिक्षा, संस्कार वाली संस्कृति, सदैव विनाश ने नूतरे से, साहब सदैव विनाश ने नूतरे से। हमें विवेक होना चाहिए, शिक्षा के साथ दीक्षा होनी चाहिए, शिक्षा के साथ सेवा का भाव होना चाहिए। ये हमारे वेद संस्कृति के संस्कार कहते हैं। तीसरी बात, आप में शिक्षा है, संस्कार है, किंतु संस्कृति का, उस संगति का बहुत होना जरूरी है। संगति आपको मालूम होना चाहिए कि एक जानवर होता है हंस, उसको वरदान प्राप्त होता है मोती चुनने का, मोती चुनता वो समुद्र में जाकर, पर तट के शैवालों से मोह रखने वाला हंस मानसरोवर तक पहुंचकर भी मोती नहीं चुन सकता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं विद्यार्थियों से, कि अगर इस संसार की चकाचौंध में, ये व्यसन में, फैशन में अगर आप उलझ जाएं, तो आप, आपकी संगति, आप किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, कितना मोबाइल चलाना चाहिए, कितना मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये आता है संगति में मित्र। तो संगति होना जरूरी है। और अंत चौथी बात, एकता। एकता सरदार पटेल ने कहा है, कभी किसी से मत डरो, सच बोलने की हिम्मत रखो, घर की बात घर में रखो। और तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सरदार पटेल ने एकता दिखाई, पूरा देश एक हुआ। परिवार की एकता जरूरी है आज, समाज की एकता जरूरी है आज, डूंगरपुर जिले की एकता जरूरी है आज, राष्ट्र की एकता जरूरी है। हम एकता के भाव को, सबको, कमजोर पिछड़े अगले को लेकर साथ चले, आप जीवन में सफल होंगे। और अंत में व्यक्तिगत पहचान। व्यक्तिगत पहचान क्या है? आज के अध्यक्ष कौन है? हरिओम जी हैं। एक गरीब परिवार में पल के विदेशों में व्यवसाय करते हैं, त्रिपुरा सुंदरी जैसे मंदिर में 1 करोड़ का दान देते हैं, भारत भूमि है, यहाँ लाल गुजरी में पाए जाते हैं, मखमली जेवरात की पेटियों में नहीं। नगर पालिका के चेयरमैन साहब एक मुनीम के बेटे हैं, और मुनीम के बेटे होकर आज शहर के सबसे बड़े व्यवसायी हैं। अगर नगर पालिका के चेयरमैन बन सकते हैं, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते मित्रों। ये गांधी का देश है, ये गौतम का देश है, ये गार्गी का देश है, ये गीता का देश है, ये सीता का देश है, हानी रानी का देश है, लक्ष्मीबाई का देश है, इंदिरा नोई का देश है, न जाने कितने लोगों का देश है। लड़ता है, चेयरमैन साहब हार जाता है, 22 वर्ष में व्यापार करता है नाकामयाब हो जाता है, 24 वर्ष में शादी होती है सफल हो जाता है, 27 वर्ष की उम्र में सांसद का चुनाव लड़ता है हार जाता है, 32 वर्ष की आयु में सीनेट कांग्रेस का चुनाव लड़ता है मात खा जाता है, 42 वर्ष की आयु में पुनः सांसद का चुनाव लड़ता है परास्त हो जाता है, 46 वर्ष की आयु में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है फिर हार जाता है, और 51 वर्ष की आयु में वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। लकड़हारा का बेटा होता है, गरीब का बेटा होता है। आज के माँ बाप खून पसीना बहाकर आपको पढ़ने भेजते हैं। इस देश, इस प्रदेश का, जिसके खानदान में कोई राजनीति में नहीं, एक मालिक का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री हो सकता है, और एक तेली का बेटा देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, तो आप क्या नहीं कर सकते यार।
होने की जरूरत नहीं है, वरन ना पीपी के डाल दूंगा आप तुमको। सीखने की ललक नहीं है तो आप कुछ भी सीख नहीं सकते हैं, चाहे हमारे सारे राजेश जी गुरु जी हों या हमारे उस्ताद के सारे गुरु जी हों, आचार्य द्रोण आ जाए, कुल गुरु कृपाचार्य आ जाए, अगर आप में ललक नहीं है तो आप सीख नहीं सकते, वे ध्यान में रखना। अगर प्रयत्न और पुरुषार्थ सीखना है तो कोई चींटी अथवा कीड़ी से सीख ले जो अपने से 5 गुना वजन लेकर 10 बार दीवारों पे चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, 11वीं बार सफल हो जाता है। इस देश का इतिहास गवाह है। मेहनत कीजिए, श्रम कीजिए, परिश्रम कीजिए, सफलता आपके कामन चुरेगी। महात्मा गांधी से लेकर महावीर स्वामी तक, बुद्ध से लेकर बिड़ला तक, क्राइस्ट से लेकर किरण बेदी तक, आदि शंकराचार्य से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम तक और संत तुकाराम से लेकर सचिन तेंदुलकर तक सब लोग संघर्ष करके ही, मेहनत करके ही अपने मुकाम पर गए। मैं 2-4 उदाहरण दूंगा, मेहनत रंग लाती है। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, आज अपने अभिभावक आए हैं, आज समाज की चिंता करने वाले लोग मंच पे बैठे हैं, आज देश की चिंता करने वाले लोग मंच पे बैठे हैं। हमारे माँ बाप कितना खून पसीना बहाकर आपको पढ़ने भेजते हैं और हम इस फैशन व्यसन में और अन्य प्रकार की बीमारियों में उलझकर हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। मित्रों, मैं 2-3 उदाहरण दूंगा। एक व्यक्ति था सर, उसका नाम था जग मा, चीन का। एक होटल के इंटरव्यू में 12 बार गया और उसका चयन नहीं हुआ, वेटर में चयन नहीं हुआ। हरिओम भाई, राजू भाई शेख हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, उसने हार नहीं मानी और उसने ही कॉमर्स कंपनी खोली, अलीबाबा ग्रुप का निर्माण किया और पूरी दुनिया में ऑनलाइन जो अपने बिंदी से लगाकर, चप्पल से लगाकर, जूतों से लगाकर, जितनी भी तुम चीजें खरीदते हो ऑनलाइन, उसका कंसेप्ट देने वाला कौन था? जैक मा था, जो वेटर में चयन नहीं हुआ और दुनिया का नहीं, दुनिया के 10 राज्य लोगों में है और चीन का सबसे धनी व्यक्ति है। तो वो अगर 24 बार वेटर नहीं बन सकता और दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बन सकता है चीन का, तो आप कुछ कर नहीं सकते क्या? दूसरा, मैंने हुसैन बोल्ट का नाम सुना है? दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला धावक, जो सेकंडों में 10 सेकंड में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की दौड़, और उसने सैकड़ों मेडल जीत लिए। पत्रकारों ने पूछा, ठाकुर साहब उन्हें, क्या आपने सेकंडों में तो सैकड़ों मेडल जीते हैं, क्या कारण है? आप दुनिया के सबसे तेज धावक हो गए, दुनिया के करोड़पति हो गए दौड़कर। उन्होंने कहा कि मैंने 10, 15 और 20 सेकंड में सैकड़ों मेडल जीते हैं, किंतु उसके पीछे प्रतिदिन मैंने 10 से 12 घंटा मेहनत किए, तब मैं 10 सेकंड दौड़ पाया हूं 100 मीटर की दौड़। ये होता है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट, जो 1 मिनट में 15 लाख रुपया कमाता है, 1 मिनट में 15 लाख रुपया कमाता है। मैं बोल रहा हूं उसने कितने लाख कमा लिए होंगे, उससे देख लेना आप। उसको पूछा गया, तू अपने स्कूल के, अपने कॉलेज के स्कॉलर तो थे नहीं, गोल्ड मेडलिस्ट से थो नहीं, फिर आप दुनिया के अमीर आदमी कैसे हैं? उसने क्या कहा चेयरमैन साहब? उसने ये कहा कि मेरे स्कूल के टॉपर, मेरे स्कूल के गोल्ड मेडलिस्ट जो है ना, वो मेरी कंपनी में नौकरी करते हैं। हमारा प्रबंधन अच्छा होना चाहिए, हमारा नियोजन अच्छा होना चाहिए, हमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हम आसमान को की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। मित्रों, मेरे विद्यार्थी ये बात में बातें, आप क्रिकेट जानते हो? आप क्रिकेट जानते हो? क्रिकेट में एक आशीष नेहरा था, जो दिल्ली स्कूल क्रिकेट में पारितोषिक वितरण समारोह में गया और वहां विराट कोहली 10वीं का छात्र था। क्या था? एक दिन वो आया कि विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान हो गया और आशीष नेहरा उसका खिलाड़ी हो गया। समझ रहे हो आप बात में क्या कह रहा हूं? सीख ली कि मैं आशीष नेहरा से आगे बढ़ूंगा। ये काम उदाहरण में बहुत सारे दे सकता हूं मित्रों, नहीं दूंगा। मैं तो इतना ही कहूंगा, दुनिया में कुछ नया करने वालों की ही कहानी है, इनके ही पैर पूछती है झुक झुक कर, ये जवानी है, कौन पूछता है यूं रंग रंग कर चलने वालों को, यहाँ तो उनकी ही चर्चा है। जिनकी चाल सुखानी है साहब, जिनकी चाल सुखानी है। कक्षा 9 से 9वीं के 2 सेक्शन है, 9वीं ए से आर्यन पंड्या और 9वीं बी से आशीष पाटीदार।
आर्यन पंड्या, आशीष पाटीदार गत सत्र में कक्षा 9 के विद्यार्थी जिन्होंने स्थानीय परीक्षाओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया।